नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि रतिया ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी का आलम छाया है। भारत के प्रदेशों में बेरोजगारी में नंबर एक पर हरियाणा प्रदेश है। इसमें बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश की गठबंधन सरकार युवाओं को नौकरी देने में नाकाम हो गई है। पढ़ लिख कर युवा नशे की दलदल में फंसते जा रहे हैं। युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर विभिन्न विभागों में पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन प्रदेश सरकार युवाओं से झूठे वादे कर सत्ता में आई। युवाओं को रोजगार देने के लिए वादा किया था, लेकिन हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम हो गई है। बड़े स्तर पर युवा पढ़ लिख कर बेरोजगारी से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। एक तरफ युवाओं के पास रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ लगातार महंगाई बढ़ रही है। आम लोगों की महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। प्रदेश सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि रतिया ने कहा कि इसी मसले को लेकर आने वाले 16 मई को बेरोजगार बाइक मार्च निकाला जाएगा और एमएलए रतिया को मांग पत्र सौंपा जाएगा। रतिया से हमारे संवाददाता रवि गोयल की रिपोर्ट। आज की जो हमने प्रेस वार्ता किया हरियाणा स्टूडेंट यूनियन के बैनर के तले, क्योंकि लगातार जो हरियाणा प्रदेश के अंदर है सरकार जजपा और गठबंधन सरकार बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी युवाओं के लिए नौकरियों का वादा कर, लेकिन पिछले 3 साल से तो ना तो टीचरों की भर्ती की जा रही है और ना ही निम्न पदों पर खाली पड़े हैं उनकी भर्ती की जा रही है। हमने पहले भी SDM साहब के माध्यम से और अन्य संगठनों के माध्यम से भी जो माननीय मुख्यमंत्री को हमने मांग पत्र सौंप चुके हैं, जो कि जो टीचर भर्ती है जो 1000 से लगभग ज़्यादा प्लस में पद खाली पड़े हैं उनकी भर्ती नहीं की जा रही है। लोगों ने HTAT वगैरह पेपर पास कर अपने पास डॉक्यूमेंट लेके बैठे हैं कि कब टीचर की भर्ती खुलेगी, हम कब जॉइनिंग लेंगे, लेकिन असल में सरकार युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती है। युवाओं को झूठे वादे कर सत्ता मारने का इन्होंने हत्याकंडा किया है और आज हमने कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि जो सरकार ने वादे किए थे भी आपको हम नौकरी देंगे। एक तो इन्होंने आज की जो प्रेस वार्ता रतिया के अंदर की जा रही है, रतिया के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं विद्यार्थी हैं जो नौजवान हैं देश का युवा जो पढ़ा लिखा है रोजगार मांगने के लिए अपनी बात को रखने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और आने वाली 16 मई को रतिया के अंदर विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक बाइक रैली निकाली जा रही है, जिससे सरकार के आगे अपनी बात रखेंगे युवा कि सरकार ने वादा किया था जब सत्ता में आए हैं ये बीजेपी के लोग, मोदी सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया जाएगा पूरे भारत में और प्रदेश के अंदर 2 लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात हुई थी और पिछले लॉकडाउन की वजह से ना तो कोई भर्ती निकली है सेंटर की, जो आर्मी की लोगों के पास सिर्फ एक ही विकल्प था आर्मी या पुलिस, वो दोनों की भर्तियाँ भी अटकी हुई हैं और जितने दूसरे पेपर हुए हैं वो सभी पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, बार बार कैंसिल हो रहे हैं। उसके बाद अब नया इन्होंने सेट का बनाया कि सेट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।